नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नो चैनल इन्फोकॉम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केबल टीवी के बारे में। आपको मैं पहले ही बताया, केबल टीवी के ऊपर मैं पूरा सीरीज लाने वाला हूँ। इसके पहले 3 वीडियो मैं ला चुका हूँ और ये मेरा 4th वीडियो है। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया केबल टीवी में क्या क्या चेंजेस होने वाला है, उस पर आपको क्या क्या पैकेजेस रहने वाला है और हर एक चैनल का प्राइसिंग के बारे में। तो वो 3 वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, आप वो 3 वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। तो यहीं पे मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा 4th वीडियो है, यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूँ केबल टीवी के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देना पड़ेगा जो मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन अभी जो निकल के आई है, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 130 प्लस GST आपको देना पड़ेगा, लगभग 154 के आसपास आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट 100 चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट 25 चैनल जब भी आप ऐड करना चाहेंगे, उसके लिए आपको 20 रुपीस चार्जेस देना पड़ेगा, ट्रांसमिशन चार्ज 20 रुपीस आपके LCO को। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप 15 से कम चैनल चूज करते हैं, चैनल नंबर अगर 15 से कम चैनल होता है, तो आपको 1 रुपीस देना पड़ेगा। ये जो नया चार्जेस निकल के आई है ट्राई की तरफ से, जहाँ पे आपको 25 से ज़्यादा चैनल लेने पर 20 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा और 15 से कम चैनल लेने पर आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको पैकेजेस के बारे में सब कुछ बता दिया। आई बटन पे आपको मिल जाएगी पैकेजेस डिटेल्स, और एयरटेल, डिश टीवी और वीडियोकॉन डीटीएच ने भी अपना पैकेजेस निकल दिया है। डिस्क्रिप्शन पे आपके लिए लिंक दिया है, आप वो लिंक पे जाके उन ऑपरेटर का चैनल लिस्ट देख पाएंगे, अगर आप यूज़ करते एयरटेल, डिश टीवी और वीडियोकॉन डीटीएच, तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको बता पाया एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में। और यहीं पे और एक चीज़ आपको बताना है कि जो 29 दिसंबर लास्ट डेट था ट्राई की तरफ से, उसे पोस्टपोन किया गया, एक्सटेंड किया गया है। वो लास्ट डेट अभी जो नया निकल के आया है ट्राई की तरफ से, वो है 1st of February, यानी कि 1st of February से पहले आपको अपना चैनल पैकेजेस चूज करना है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है, और 1st of February के बाद आपका जो नया पैकेजेस आप चूज़ करेंगे, उस हिसाब से आपको चैनल दिखाया जाएगा, आपका जो टीवी चालू रहेगा। तो अभी तो यही अपडेट है आपके लिए। इसके बारे में पूरा डिटेल सीरीज तो मैंने पहले ही बताया, मैं बनाने वाला हूँ। जब भी नया अपडेट आ जाएगा, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। बने रहिए टेक्नोजैन इन्फोकॉम के ऊपर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहता हूँ फायदेमंद वीडियो। दोस्तों, आज 2018 का लास्ट डे है, 31st of December, कल 1st of January 2019। सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मज़ा उठाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं कल को एक नए साल में, एक नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। बने रहिए टेक्नोजैन इन्फोकॉम के ऊपर, एंड थैंक्स टू ऑल। आज मेरे चैनल के ऊपर लगभग 4000 सब्सक्राइबर होने वाला है, एंड सभी को दिल से हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।